ए व्हाट्स अप गाइड्स, मी और वाल्मीकि, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी ऑफिशियल। कैसे हो दोस्तों, आपके लिए लाया एक और धमाकेदार अनबॉक्सिंग वीवो के साइड से। उसकी न्यू सीरीज आ चुकी है, वीवो T1 5G। जी हाँ, सो बात करेंगे गाइस इस वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे बॉक्स में हमें क्या कुछ नया मिलने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और आप बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपका यूं ही इसी तरह हमें प्यार मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीवो का T1 5G हमारे पास फोन अवेलेबल हो चुका है, आप देख सकते हो। और इस वीडियो में करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देख लेते हैं इस बॉक्स में हमें क्या कुछ नया मिलने वाला है। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हम सील ओपन कर लेते हैं इसका और प्लास्टिक वगैरह निकाल देते हैं। वाइट बॉक्स तो आप देख ही रहोगे, देखते हैं वाइट बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ वाइट मिलने वाला है। अंदर भी वाइट केस कवर हमें दिख रहा है गाइस। केस कवर हम देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। सो केस कवर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है एंड साइड देख करके लग रहा है फ्लैट साइड होने वाला है। डॉक्यूमेंटेशन गाइस जो कि कोई नहीं पड़ता आज के टाइम पे, एंड और कुछ इसके अंदर दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, इन सबको रखते हैं साइड में। फ़ोन को हम बाद में देखते हैं, देख लेते बॉक्स में और क्या कुछ नया मिलने वाला है। सो फ़ोन को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। एट्टीन वोट का चार्जर मिलने वाला है इस बॉक्स के अंदर आपको। T1 5G में 18 वोट का चार्जिंग मिलने वाला है एंड टाइप सी USB केबल। जी हाँ, एंड सिम कार्ड भी दिख रहा है इसके अंदर, सिम कार्ड इंजेक्टर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो इन सबको साइड में कर देते हैं और चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ। यहाँ से हम फ़ोन को ओपन करके देख लेते हैं, इसकी प्लास्टिक निकालते हैं सबसे पहले। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की हुई रहती है आज के टाइम पे फ़ोन में। स्टिकिंग आप देख सकते हो, सो गाइस डिज़ाइन और कलर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीवो T1 5G का कलर और डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है। साइड से आप देख सकते हो गाइस, साइड से आपको फ्लैट साइड दिख रहा है। अगर मैं पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ गाइस तो नीचे के साइड आप देख सकते हो स्पीकर ग्रिल मिल जाएगा आपको। टाइप सी के लिए चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है एंड 3.5 mm जैक आपको मिल जाएगा गाइस। एस कैंसिलेशन माइक्रोफोन नीचे दिया हुआ है। राइट साइड की अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम बटन के साथ में गाइस, नीचे साइड माउंट और फिंगरप्रिंट दिया हुआ पावर लॉक बटन के साथ में। ऊपर के साइड में गाइस आपको सिम ट्रे मिलने वाला है एस नाइस नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन भी साइड ऊपर आपको मिल जाएगा। तो हम इसका सिम ट्रे चेक कर लेते हैं, सिम ट्रे चेक कर लेते हैं सिम ट्रे में हमें क्या कुछ मिलने वाला है। सो गाइस T1 5G में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलने वाला है एक सिम कार्ड के साथ। आप एक देख सकते हो, आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। जी हाँ, सो गाइस कैसी लगा आपको डिज़ाइन, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फाइनली गाइस वीवो T1 5G का अनबॉक्सिंग हो चुका है और डिज़ाइन तो गाइस आपने देख लिया होगा। डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा गाइस तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूले। बात कर लेते गाइस इसके डिस्प्ले साइज की, तो T1 5G में गाइस आपको आ रहा है 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि आपको मिलने वाला है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ में। जी हाँ, IPS डिस्प्ले दिया हुआ गाइस, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले आपको मिलना है, बड़ा साइज में मिलने वाला है आपको। बात करेंगे इस फोन में आने वाले कैमरे के, जो पीछे के साइड में आपको तीन कैमरे मिलने वाले हैं T1 5G में। प्राइमरी कैमरा जो आपको मिलने वाला है 50 MP का मिलने वाला है, 2 MP का आपको डेप्थ लेंस मिलने वाला है, 2 MP का आपको माइक्रो लेंस मिलने वाला है। सो अल्ट्रा वाइड नहीं दिया हुआ है, हमने हमेशा की तरह इस फोन का भी कैमरा चेक किया हुआ गाइस। कुछ फोटो आपको लिए सैंपल के लिए क्लिक की हुई आप हमें बता सकते हो, स्क्रीन पर फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना बिल्कुल भी ना भूले आपको फोटो कैसी लग रही गाइस। बात करेंगे इस फोन में आने वाले फ्रंट कैमरे, तो फ्रंट में गाइस आपको मिलने वाला है 16 MP का कैमरा जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में फ्रंट आपको दिखाई दे रहा होगा। 16 MP का आपको कैमरा मिलने वाला है फ्रंट में T1 5G में। सो हमने फ्रंट कैमरा भी चेक किया, फोटो क्लिक की हुई, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए फोटो आपको कैसी लग रही गाइस। बात करेंगे इस फोन में आने वाले प्रोसेसर के, जो गाइस T1 5G में आपको मिलने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G का प्रोसेसर जो कि आ रहा है 6 नैनोमीटर के बेस के साथ में। तो काफी अच्छा खासा प्रोसेसर दिया हुआ कंपनी ने।
अगर आप हाई प्रोसेसिंग गेम खेलोगे तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपको देखने मिलेगा T1 5G में। बात करेंगे इस फोन में आने वाले बैटरी बैकअप की। सो T1 5G में गाइस आपको मिला 5000 mAh की बैटरी, जो कि अच्छा खासा बैटरी लाइफ आपको मिलने वाला है। 2 दिन तक आप यूज कर सकते हो बैटरी लाइफ साइकिल जो कंपनी ने बताया हुआ है। सो गाइस एफिशिएंट बैटरी बैकअप भी दिया कंपनी ने। बात करेंगे स्टोरेज टाइप की, सो LPDDR4X रैम के साथ में गाइस ये फोन आ रहा है UFS 2.2 के साथ में। जी हाँ, सो अच्छा खासा स्टोरेज टाइप भी आपको मिलने वाला है। अगर वेरियंट की बात करूँ गाइस इसमें तो 3 वेरियंट आने वाले हैं, 4GB RAM 128GB, 6GB RAM 128GB एंड 8GB RAM 128GB। जी हाँ, प्राइस की अगर मैं बात करूँ गाइस तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूले, वहाँ आपको प्राइस और कहाँ से फोन आप परचेस कर सकते हो उसका एड्रेस मेंशन किया हुआ है। सो फटाफट जाइए गाइस, फोन को घर मंगाना बिल्कुल भी ना भूले। सो गाइस कैसी लगी अनबॉक्सिंग, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कुछ नए आपके सजेशन होंगे गाइस कि नेक्स्ट वीडियो किस फोन की आनी चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अनबॉक्सिंग के साथ, कुछ नए फीचर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।